सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, पिछले बार हम गए थे खड़ेश्वरी बाबा के दर्शन करने के लिए हमारे यहाँ नैनीपाटन में, जो लछेरवाई रोड में मैंने आपको कहा धरचूला रोड पे आपको बताया था। तो उस हफ्ते हमको खड़ेश्वरी बाबा के दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि वो अपने, आज जब हम पहुँचे यहाँ लोहाघाट से हम आ रहे थे, अभी मेरे साथ मेरे परम मित्र हैं केल्विन धामी जी, तो वो और मैं जब लोहाघाट से आ रहे थे तो रस्ते में बाराकोट के आसपास एक जगह पड़ती है दोस्तों गुरना सलना करके, तो वहीं पर ही हम लोग अभी खड़े हैं दोस्तों। और बाबा जी के, जब हमने बाबा जी की गाड़ी देखी यहाँ पे, तो बाबा जी के लिए रुके। और आज जो है दोस्तों हम लोग दिखा पा रहे हैं आप लोगों को, देखिए ये है हमारे बाबा जी की गाड़ी, देख सकते हैं आप लोग। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पिछले बार हम लोग आपको नहीं दिखा पाए थे, हमारे बाबा जी के दर्शन नहीं करा पाए थे, आज भोलेनाथ की कृपा रही हमारे ऊपर जो हमें खड़ेश्वरी बाबा जी के दर्शन हो पाए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि वो खड़े खड़े गाड़ी चलाते हैं, खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं, तो आप उनकी गाड़ी देख सकते हैं कि कैसे वो खड़े खड़े गाड़ी चलाते हैं दोस्तों। ये उनकी गाड़ी है, ये हमारे बाबा जी हैं, देखिए हमारे बाबा जी जो हैं वो खड़े खड़े ही गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। और दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो बाबा जी हैं उन्होंने ये प्रण क्यों ले रखा है, मैंने आपको लास्ट टाइम अपनी वीडियो में बताया था कि हम आपको अगली वाली जो मेरी वीडियो बनेगी, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, उसमें ये जरूर बताऊंगा कि खड़ेश्वरी बाबा जी ने ये प्रण क्यों लिया था। उन्हीं से मैं पूछना चाहूंगा, बाबा जी ये प्रण आपने जो लिया था, ये खड़े रहने का प्रण जो लिया है आपने, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, बाबा जी कहना चाहते हैं कि ये अतियोग है, जनहित के लिए है, जन कल्याण के लिए है दोस्तों, ये जो इन्होंने प्रण लिया हुआ है जन कल्याण के लिए, कोई भी साधु का वचन जन कल्याण के लिए, कोई भी साधु का वचन जो है वो जन कल्याण के लिए है कहना चाह रहे हैं दोस्तों। ये हमें भोलेनाथ की आज कृपा रही जो खड़ेश्वरी बाबा जी के दर्शन हो पाए। इनकी गाड़ी आप देख सकते हैं दोस्तों, जय हो बाबा जी की, जय बोले, जय शंकर महाराज। जी पिथौरागढ़ जा रहे हैं, पिथौरागढ़ से। चलिए बाबा जी, इससे पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी हमारी, और आशीर्वाद बना रहे हम पर, हम आपके भक्त हैं बाबा जी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे गुरना मंदिर का एरिया है, गुरना मंदिर पिथौरागढ़, गुरना माता का मंदिर, वहाँ पे खीरा खिलाया जा रहा है, खीरा तिमूर के नमक के साथ खिलाया जा रहा है दोस्तों। तिमूर का नमक जो है वो धारचूला से भी आगे से मंगाया जाता है, काफी फेमस जगह है पिथौरागढ़ की धारचूला, वहाँ से ये तिमूर का नमक मंगाया जाता है। सोचो बॉस कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जब भी गुरना माता मंदिर से, पिथौरागढ़ से जाने वाले यात्री और आने वाले यात्री, मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप लोग आते हैं तो इस तिमूर के नमक लगे हुए खीरे को जरूर आप लोग खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है सेहत के लिए बहुत। और दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई साहब दिन भर यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हमारा जो ये आप देख सकते हैं खीरा बेच के अपना जो रोजगार कर रहे हैं, तो इन लोगों के रोजगार को बढ़ावा दें दोस्तों। तिमूर का मसाला है भाई जी, आइए आइए खीरा खाइए, बढ़िया तिमूर का मसाला है, बढ़िया दारचूला का है, आइए